मारवाड़ी मिर्टी आप देख रहे हैं। आज है 20 नवंबर 2024 बुधवार का दिन। हिंदू तिथि मार्ग शीर्ष माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में सोमवार को G20 समिट के पहले दिन पीएम मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स से द्विपक्षीय मुलाकातें की। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, पुर्तगाल के पीएम लुइस मोंटेनेग्रो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबो सुबियांतो और नॉर्वे के पीएम जोनास गेर स्टोर से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। समिट के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिले और उनके बीच अनौपचारिक बातचीत भी हुई। पीएम मोदी ने G20 समिट के पहले दो सेशन में भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता और सरकारों के कामकाजों में सुधार पर भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। और सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि अगले साल भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत शुरू होगी। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। रूस यूक्रेन जंग के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत की यात्रा करेंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा है कि जल्द ही पुतिन के दौरे की तारीखों का ऐलान होगा। दिमित्री ने कहा कि पीएम मोदी की रूस की दो यात्राओं के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा हो रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। दिल्ली में AQI 500 के पार हो गया है, यानी कि यह सीजन की सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली धुंध रही, जिससे 22 ट्रेनें लेट हो गई। सभी स्कूलों और DU JNU के कॉलेजों में अब ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बेहद ज्यादा खतरनाक लेवल पर है। मंगलवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 से ऊपर चला गया। दिल्ली का औसत AQI 494 रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस सीजन में सबसे अधिक है। दरअसल प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली NCR के 10वीं तक के स्कूल पहले ही ऑनलाइन कर दिए गए थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 11वीं और 12वीं की क्लासेस भी ऑनलाइन चलाने के आदेश दिए गए हैं। और बड़ी खबर यह भी है, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 18 नवंबर से दिल्ली NCR में बदला हुआ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा फेज लागू हो गया है। इसके साथ ही बच्चों, बुजुर्गों, सांस और दिल के मरीजों, पुरानी बीमारियों से पीड़ितों को घर में अंदर रहने की सलाह दी गई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। जोधपुर की ब्यूटीशियन अनीता चौधरी की हत्या को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध कल समाप्त हो गया। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में सोमवार को हुए व्यापक धरने के बाद मंगलवार को सरकार ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी है। मामले की जांच CBI को सौंपे जाने के साथ ही अनीता चौधरी के परिजनों का धरना भी समाप्त हो गया है। सरकार ने अनीता चौधरी के परिजनों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का भी ऐलान किया है। चार मांगों पर सहमति बनने के बाद धरने की समाप्ति की घोषणा हो गई है। इस दौरान RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि CBI को इस मामले को सौंपा जाएगा। दूसरा, आर्थिक सहायता के रूप में 51 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी, इसके अलावा दो अधिकारियों को हटाने, जिसमें DCP व SHO को हटाने की सहमति बनी है। अब परिजनों की सहमति बन गई है। करीब 20 दिनों के बाद अनीता के शव का अंतिम संस्कार होगा। खैर आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को अन्य प्राथमिकताओं को कम करके तुरंत प्रभाव से सामाजिक पेंशन देने की मांग की है। अशोक गहलोत ने कहा कि पेंशन पाने वाले लोग नॉर्मल नहीं होते। अशोक गहलोत ने कहा कि बुजुर्गों, विधवा, निःशक्त जन और एकल नारी को जो पेंशन मिलती है, सरकार दूसरी प्राथमिकताओं को कम करके पहले इन्हें पेंशन दे। अशोक गहलोत ने कहा कि हमने 15% पेंशन बढ़ाने का कानून बनाया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसे किया है जैसे उन्होंने सौगात दी है। गहलोत बोले, जब हमने कानून बना दिया है तो सरकार को पेंशन बढ़ानी ही पड़ेगी। आपको बता दूं, पिछले कई महीनों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लाभार्थी परेशान है और अब इस मुद्दे को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उठाया है। इसके अलावा अशोक गहलोत ने कल एक और बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने नरेश मीणा व रविंद्र भाटी की हरकतों पर भी आपत्ति जताई है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। अजमेर की युवती ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ फोटो लगाकर रील बनाई और हथियारों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। प्रोफाइल पर खुद को लेडी डोन लिखा हुआ था। अब पुलिस ने सोशल मीडिया पर शेयर हुए वीडियो और फोटो के आधार पर मंगलवार सुबह 11:30 बजे युवती को घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दूं कि यह घटना अजमेर के सिविल लाइंस थाना पुलिस की बताई जा रही है। 19 वर्षीय बलपुर निवासी शिवानी सेनी
बिश्नोई ने इंस्टाग्राम पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो से रील बनाया और फिर हथियारों की फोटो के साथ उसे अपलोड भी कर दिया। वैसे आपको बता दूं, यह पहली बार नहीं है जब शिवानी को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी उसे पिस्टल लेकर वीडियो बनाने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। यह महज 10 महीने पहले की घटना है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। हवा में फैले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली NCR में ग्रेप 4 लागू किया गया है। राजस्थान का भरतपुर और अलवर भी NCR का पार्ट है, जिस कारण इन दोनों ही जिलों में पॉल्यूशन कम करने के लिए माइंस और इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया है। साथ ही में निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। राजस्थान के इन दो जिलों में प्रदूषण कम करने के लिए कम से कम 3000 माइंस इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, पूर्वी राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर। बिसलपुर बांध से आज नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। बांध की राइट और लेफ्ट कैनाल से पानी छोड़ा जाएगा। करीब 105 दिनों तक बांध के पानी से रबी फसल की सिंचाई की जा सकेगी। आपको बता दूं, पूर्वी राजस्थान के जिलों में बांध के पानी से 1000 करोड़ रुपए की पैदावार अतिरिक्त होती है। यहां पर करीब 750 किलोमीटर लंबा नहरी तंत्र है। कैनाल से छोड़े गए पानी से 256 गांव की करीब 81,800 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। खैर आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। टोंक जिले के समरावता गांव में SDM अमित चौधरी के साथ नरेश मीणा के थप्पड़ कांड को लेकर राजस्थान में सियासत जारी है। कुछ लोग इस थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी को सही ठहरा रहे हैं, तो कुछ लोग नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब नरेश मीणा के इस थप्पड़ कांड के बाद किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ था। किरोड़ी लाल मीणा बोले, मैंने वहां पहुंचने के बाद नुकसान का जायजा लिया है। अगले ही दिन मैंने उन लोगों को गृह मंत्री से मिला दिया। मीणा बोले, वहां पर जो भी हुआ वह बिल्कुल उचित नहीं था। वह चुनाव आयोग के अधिकारी थे, उनका काम शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराना था। कानून को हाथ में लेना किसी भी तरह से उचित नहीं है। आगे बढ़ेंगे, भजन लाल सरकार का एक और बड़ा फैसला। पिछले 5 सालों में फर्जी तरीकों से सरकारी नौकरी पाने वालों की अब खैर नहीं होगी। फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थी हो या अन्य फर्जी तरह से सरकारी नौकरी पाई हो, ऐसे सभी सरकारी कर्मियों की नियुक्ति सरकार निरस्त करेगी और इसके लिए 1 माह की अवधि तय की गई है। यानी कि पिछले 5 सालों में जो भी लोग सरकारी नौकरी लगे हैं, उन सब की जाँच होगी और इसमें मुख्यतः यह जाँच होगी कि परीक्षा देने वाला और नौकरी करने वाला लोक सेवक एक ही व्यक्ति है या नहीं। आगे जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट। राजस्थान में तापमान गिरने के साथ ही सर्दी तेज होने लगी है। हिल स्टेशन माउंट आबू के बाद अब सीकर चुरू में भी तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, यहां पर अब सुबह काफी तेज ठंड महसूस होने लगी है। वैसे प्रदेश के अधिकांश शहरों में भी अब दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रह रहा है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अगले 2-3 दिन तापमान और गिरने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश भर का मौसम साफ रहेगा, आने वाले दिनों में सर्दी और तेज होगी। अच्छा, अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। महाराष्ट्र और झारखंड में इस बार महामुकाबला हो रहा है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर आज यानी कि 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं झारखंड की बाकी बची हुई 38 सीटों पर भी बुधवार को वोट डाले जाएंगे। पूरे देश की नजर आज महाराष्ट्र पर होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की 288 सदस्य विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। इन चुनाव में जहां सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को सत्ता में शानदार वापसी की उम्मीद है। आज यहां पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी कि 23 तारीख को नतीजे आएंगे। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।